वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज रोहित प्रिंजा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल फिजिक्स अध्यापक। सो आज हम करेंगे द जेई एडवांस एग्जाम का ये क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रॉड तुम्हें दी गई है एंड इट इज इन द वर्टिकल सेटअप। दिस होल सेटअप इज इन द वर्टिकल पोजिशन। ओके, और ये नीचे जाएगी। ओके, बिकॉज अभी ये हमने इसको बांधा है, इट इज क्लैम्प्ड नाउ, बट एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड इट विल अनक्लैम्प्ड एंड इट विल फॉल डाउन। वो नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर एक और फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी है। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे इसमें, इस प्रॉब्लम में। तो निकालना क्या है, हमने सबसे पहले निकालना जब ये मूव करेगी नीचे एट एज अ फंक्शन ऑफ सम के, हमने EMF निकालना है, बेसिकली EMF निकालना, व्हाट इज विल बी द EMF, एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, सी हमने पावर डिसिपेटेड निकालना है, एंड डी में टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ए पार्ट सबसे पहले निकालना है और सारे में टाइम 0.2 सेकंड ही हमें गिवन है। इट इज़ इनफैक्ट अ मैच कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो मैच टाइप इसमें हमने मैच करना था। इस इधर तुम्हें ये क्वान्टिटीज दी हैं फाइंड करने के लिए और इधर तुम्हें दी गई होंगी योर आंसर्स, तो हमने मैच करना था क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को मैं बस मैच कर रहा है। ओके, तो इसमें सिर्फ हम सॉल्यूशन ही फाइंड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, सोचेंगे कि कैसे अप्रोच करनी है प्रॉब्लम को। ओके, तो सबसे पहले EMF, देखो सबसे पहले थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर होना चाहिए कि EMF क्यों प्रोड्यूस होगा, क्यों इंड्यूस होगा। तो इस पहले हम उस थॉट प्रोसेस को जानेंगे। ओके, देखो जब ये नीचे जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी रॉड हमारी एंड इट इज मेटालिक, ओके, तो जब ये नीचे जाएगी होगा क्या, इट विल मूव एंड उसमें कुछ इमोशनल नॉट इमोशनल इट इज मोशनल EMF, इसमें क्या होगा, मोशनल EMF प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू यू नो इट इज BLV। दिस इज EMF इंड्यूस कितना होगा, BLV। तो इसमें मैंने पहले से लिख रखा है कि करना क्या है आगे। ओके, सो दैट योर टाइम विल बी कंज्यूम्ड लेस। ओके, तो करना क्या है कि इसके बाद हमने मोशनल EMF पता लग गया, EMF इंड्यूस होगा। ओके, व्हाट इज EMF, EMF इज नथिंग बट BLV। ओके, देखो EMF इंड्यूस, EMF फाइंड करने के लिए, जो इंड्यूस EMF है उसको फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा BLV। नाउ वी नो वी आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड बी, वी आर गिवन द एल, बट वी आर नॉट गिवन द वेलोसिटी, वी आर नॉट गिवन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का खेल है अभी बच गया, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास मैकेनिक्स में, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी अगर निकालनी है, दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन आइदर यूज योर न्यूटन्स लॉस या न्यूटन्स इक्वेशंस, दूसरा वर्क एनर्जी पावर। ओके, बट यहाँ पर टाइम भी हमारे पास है कि कुछ टाइम के साथ हमने खेल खेलना है, हमारा ये सारा क्वेश्चन टाइम के साथ। तो बेहतर है यू वुड यूज न्यूटन्स इक्वेशंस, जब भी टाइम आए इक्वेशंस में, ओके, तब हम न्यूटन्स इक्वेशंस यूज करेंगे। अगर इसका फंक्शन हमें ना गिवन होता कि EMF इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन वी कुड यूज द वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसे हम करेंगे न्यूटन्स इक्वेशंस। अब न्यूटन्स इक्वेशंस लगाने के लिए वी हैव टू यूज द मैग्नेटिक फोर्स, वी हैव टू नो अबाउट द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन दिस रॉड, क्योंकि हमारा सिस्टम यही रॉड है, ठीक है, हम ताक रहे हैं इसको कि रॉड करेगी क्या। तो इसके ऊपर एक फोर्स है MG, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स के अलावा वी वुड ऑल्सो हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड ड्यू टू अर्थ, सो MG डाउनवर्ड होगा और नीचे एक और फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगी, दैट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन दिस रॉड। क्यों एक्ट करेगी, बिकॉज इट विल मूव, इट विल प्रोड्यूस अ EMF। ओके, उसके साथ साथ जब भी कोई रॉड, तुम्हें पता है जब भी कोई रॉड मूव करती है, कोई मेटालिक रॉड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, जो भी रॉड मूव करेगी उस पर एक फोर्स लगेगी, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एक इसके ऊपर लगेगी।
अब उसकी डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू नो, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसकी ऊपर होगी। अब कैसे ऊपर होगी, देखो मैग्नेटिक फोर्स वी नो इस उसका जो वेक्टर जो फॉर्म है दैट इज आई क्रॉस बी टाइम्स एल। अब आई है, अब आई की डायरेक्शन इस रॉड में हमें नहीं पता है, ओके वैसे ना इसको मैंने गलत लिखा है, इसको आई बाहर लिखते हैं हम और एल क्रॉस बी करते हैं, वैसे एल क्रॉस बी करते हैं, वेयर एल इज द एल की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, ओके तो करंट की डायरेक्शन ढूंढनी है। तो मैंने पहले से लिखा है दैट इट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट क्यों इट वाई सॉरी क्लॉकवाइज है, इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट क्यों, ऐसा क्यों, वो इसीलिए बिकॉज इसमें देखो कहाँ से शुरू करूँ, हाँ देखो तो इसमें क्या है कि ये रॉड नीचे जाएगी, ओके जब ये नीचे जाएगी फ्लक्स विल इंक्रीज, और हमने पढ़ा है लेंज़ लॉ में अगर फ्लक्स इंक्रीज करता है तो उस तो क्या करो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसको उल्टा दो, उल्टा दी। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे इनटू द वाइट बोर्ड, पहले था आउटवर्ड्स द वाइट बोर्ड, अब है इनटू द वाइट बोर्ड जस्ट टू फाइंड द करंट की डायरेक्शन। तो अब राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, वॉच दिस डायरेक्शन, वॉच दिस डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स, इन फिंगर्स की डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज आ रही है, तो इसी लिए मैंने ये क्लॉकवाइज की है, ओके अब इस रॉड में देखो इट इज मूविंग अलोंग द माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो मैं बिकॉज अब फोर्स का फॉर्मूला लगाओ ना एल क्रॉस बी, तो एल की डायरेक्शन किधर की ओर है, माइनस आई कैप, जिस ओर हमारा करंट जाएगा उस ओर ही हमारे एल का डायरेक्शन होगा, सो माइनस आई कैप क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इट इज, हमने ये वाली लेनी है, अब ये वाली नहीं लेनी ना, इसका काम खत्म हो गया, ओके सो इट इज आउट टूवर्ड्स द दिस वाइट बोर्ड, तो ये है के कैप, तो ये आएगा जे कैप तुम्हारा, माइनस आई क्रॉस के इट्स प्लस जे कैप, मतलब ऊपर की ओर। और इसमें मैंने ये भी लिखा है दैट आई हैव यूज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब भी तुम यूज करोगे वेक्टर्स को उसका प्रोडक्ट निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे यू मस्ट यूज ओनली द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने आई कैप इस डायरेक्शन में माना है, जे कैप मैंने इस डायरेक्शन में माना है ऊपर की ओर, और के कैप मैंने आउटवर्ड्स इस वाइट बोर्ड माना है, ओके सो माई डायरेक्शन इज नाउ कन्फर्म्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, एम जे के नीचे है। अब इसके बाद हम न्यूटन्स की इक्वेशंस लगाएंगे, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अब सॉरी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एम जी, क्योंकि जे रॉड नीचे जाएगी तो एम जी लिखूंगा मैं, माइनस आई बी एल विच इज दिस इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ओके सो दिस इज आई हैव रिटन अ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का पंगा है, ओके वन मोर थिंग, आई करंट इट विल बी द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बी एल वी बाय आर इंटू बी एल इज एम डी वी बाय डी टी, देखो क्यों इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा आई को, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, तो उसको मैंने वी के फंक्शन में लिख दिया, ओके तो ऐसा सोचना है थोड़ा सा हमें, तो एम जी अब क्या करूँगा, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा बी स्केर एल स्केर वी बाय आर इज एम डी वी बाई डी टी, एंड नाउ टेक वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, फर्स्ट इज टाइम एंड अनदर इज वेलोसिटी, तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे वेलोसिटी को एक तरफ ले जाएंगे, मतलब सारी की सारी वेलोसिटी को हम एक तरफ ले जाएंगे, सो डी वी बाय एम जी माइनस बी स्केर एल स्केर वी बाय आर इज इक्वल टू डी टी, समझ लगा, डी टी को उधर ले गया एंड सभी को नीचे ले, इस सारी क्वांटिटी को नीचे ले गया, अब इंटीग्रेट कर दो, ये करना आना चाहिए हमें, ओके ये करना आना चाहिए, अब इसके इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नीचे,
तो साफ सी बात है इसका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एम जी माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी ओवर आर टाइम्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और उसको उल्टा दो, तो इसका आएगा माइनस आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर और इसका डी टी आएगा, और साथ में इसको मैं एम आर लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, जहाँ पर टी नहीं आ, जहाँ पर है बट देखो मैंने बोथ साइड्स एम से डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया हर एक क्वांटिटी को अगर तुम एम से डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट दिस आर एम, ओके, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वी, लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वी। अच्छा इतना हो गया, अब इसको और सॉल्व करते हैं, यू विल गेट दिस। You would get this minus R minus B square L square natural log. अब जब लिमिट पुट करेंगे वी वुड गेट सेम थिंग G minus B square L square V by R over V, because अगर जीरो पुट करेंगे दिस क्वांटिटी विल बी ओनली G because V is zero, so G। और तुम्हें पता ही है नेचुरल लॉग के नीचे मैंने माइनस को क्यों इसको डिनोमिनेटर में लिखा है, तो यू नो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो दिस इज टी, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट आवर एक्सप्रेशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द टाइम, बट वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी वुड बी देयर फोर इज विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय आर, ओके, एंड माइनस आएगा ऑफकोर्स, और यहाँ पर क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। इसमें जल्दी नहीं करनी है, बस इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। देयरफॉर नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय आर एम, आर एम था जहाँ पर एम भी था, ओके, यहाँ पे एम भी था, ये भी है, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर एम, और जी इसके साथ भी चला गया, ओके, एंड वी विल गेट दिस, ये तो मैं पता होगा कैसे करना है, ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज जी कॉमन लेकर इसको इस तरफ ले जाओ यू विड गेट, या इसको इस तरफ ले जाओ जैसे करना कर लो, इसको मैं उस तरफ ले रहा हूँ, सो आई विल गेट वन माइनस ई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर एम, और फिर ये आ गया मेरा, मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ सो दैट यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज, ओके, ये आ गया, जब ये आ गया तुम्हारे पास यू वुड गेट आर एम बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर जी वन माइनस बी स्क्वायर L square T by R M, and this is the velocity, this is the final expression we would get, this is the final expression we would get, so we can find now the EMF, देखो इसमें integration है, mathematics है, तो अगर इसमें अगर तुम्हें practice होगी you will get solve this sum, okay, but देखने इसमें बस calculation इसकी difficult है, फिजिक्स आसान है, बस इसके थोड़ी जो मैथमेटिक्स है दैट इज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या बहुत डिफिकल्ट, कमेंट मी डाउन, ओके। तो देखो EMF देयरफॉर EMF इज बी एल वी, सो वी आई वुड गेट बी टाइम्स एल टाइम्स दिस होल थिंग, सो आई विल गेट बी एल, इसको कट काट देंगे, सो आई विल गेट आर एम बाय बी एल, और जो वेलोसिटी आएगी दैट वुड बी दिस, सॉरी जो EMF आएगा दैट वुड बी दिस, नाउ दिस इज द EMF, ये नाउ दिस इज द EMF, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो बाय टेकिंग टाइम 0.2, पहले ये फैक्टर नोट कर लो, ये फैक्टर क्या होगा, दिस फैक्टर वुड बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय आर एम, सो दिस इज बी इज 25, सो 20 कितना है 4 टेस्ला 4 स्क्वायर, एल है 25 सेंटीमीटर, वी कैन राइट 1/4, सो 1/16 स्क्वायर करके, मतलब ये कट गया ना, टाइम टाइम 0.2 आर एम, मास इज 20 × 10⁻³, और एम है, सॉरी दिस इज एम एंड व्हाट इज आर, दिस इज 10, सो आई वुड गेट 0.2, मतलब कि यू वुड गेट कितना मिल गया,
टू से टू कैंसिल वन और नीचे 200 आएगा, 2000 से वन बाय मतलब इतना आ गया, वन ही आ गया। सो दिस इज वन, माइनस वन आएगा। और इसलिए उन्होंने हमें ये दिया गया है, हमें इन्होंने दिया है व्हाट इज ई माइनस वन, बिकॉज इसमें अब यूज होगा ए माइनस वन, तो ये आ गया 0.4 सारा। ठीक है, अब ये सारा बन गया 0.4। सो आई विल गेट ई एम एफ, यस। इसकी भी वैल्यू देखो, देखो ये बी टाइम्स एल होगा वन, बिकॉज ये भी 1/4 है, सो ये 4 है और ये 1/4 है, दैट इज 1। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है। आर आ गया 10 और ये आ गया 20 ग्राम, सो 20/1000 टाइम्स जी टाइम्स 1 माइनस 0.4। ओके, देयर फोर यू वुड गेट दिस, दिस कट डाउन, कट डाउन, तीन जीरो कटे गई, तो 2 माइनस 0.8 दैट इज 1.2 वोल्ट। सो 1.2 वोल्ट इज आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1.2 वोल्ट। सो 1.2 वोल्ट का इसका आंसर है, वी हैव गॉट दिस आंसर। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, तो इसमें करना गया था कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए थे। इवन तुम फंस सकते थे इन द डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो सारा खेल था। सो जे थ्रू दिस क्वेश्चन वॉन्ट टू टेस्ट कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, दैट इज वॉज अ मेजर गोल ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर हम उन्होंने ऐसे सोचा होगा। ओके, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। सो वॉट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, वी नो इट इज मैग्नेटिक फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज दिस आई बी एल। सो वी नो वॉट इज आई, दिस इज ई बाई आर टाइम्स बी एल। अभी अभी हमने निकाला है EMF, अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने निकाला है EMF, therefore I will get 1.2, right? ठीक है, R है 10, B है 4, ये तो आसान है because we have found all the, ठीक है, हमने सारा कुछ निकाल दिया। वैसे 0.2 न्यूटन हमारी फोर्स आएगी, सो इसका आंसर है 0.12 न्यूटन। ओके, दिस इज आर आंसर। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, पावर। पावर निकालने के लिए वी नो पावर का फॉर्मूला, दैट इज एफ टाइम्स वी। अब एफ भी निकाला है हमने 0.12 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने निकाली थी, इसमें पुट करनी थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने निकाली थी gm। अब इसमें वेलोसिटी आई वुड से तो कर करा के कुछ इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज आई हैव फॉरगेट कि ये मैंने ये निकाली थी वेलोसिटी कि नहीं। ठीक है, तुम देख लेना बाय रिवर्सिंग दिस वीडियो कि क्या थी वेलोसिटी की, उसमें जस्ट पुट कर देना वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको लूँ तो इस लिहाज से मेरा आंसर आना चाहिए था 0.4 माइनस 1 दैट इज 0.6, और 0.6 इंटू 10 26 कुछ ऐसे आंसर आना चाहिए। 26 या 12, 26 वन जा मतलब 7, 0.72 कुछ आना चाहिए था आंसर, वॉट इतना कुछ आना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी मैंने वो रब कर दिया, बट अगर इसको माने तो ये आंसर आना चाहिए। ओके, बट इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा आंसर ठीक आए, मतलब सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और लास्ट पार्ट, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो, दो फोर्सेज एक्ट कर रही थी, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ से आ गई, ये तो हमने फील्ड मैकेनिक्स में पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो इसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी है, देखो कि इसमें नीचे थी mg फोर्स और ऊपर थी ibl, ऊपर थी ibl। देखो अगर कोई छाना बंदा होगा ना, छाना समझते हो, स्मार्ट, इफ़ यू, ठीक है, अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो जिसमें मैंने वो किया था कि ibl की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, तो उसको पता होगा कि डायरेक्शन या ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, ही नोस। ओके, इफ़ अ स्मार्ट स्टूडेंट होगा अगर वो, और अगर वो स्मार्ट होगा तो वो ऑप्शन में देखेगा यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो उसको पता होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी तब वेलोसिटी आती है जब नेट फोर्स ज़ीरो होता है, जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तभी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। तो ही नोस कि अगर एम जी नीचे है, मैं इसकी बात करूँ कि डायरेक्शन क्या होगी आई बी एल की, तो नीचे एम जी है तो उसको झट से पता लग जाएगा आई बी एल मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
बिकॉज तभी उन्होंने मुझसे पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं तो नहीं पूछते, बिकॉज अगर ये भी नीचे होती और ये भी नीचे होती वी वुड नॉट गेट एनी टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन से कुछ क्लैरिटी मिल जाती है. सो दैट्स वाई प्रेजेंट ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द जे एग्जाम. ओके, तो वो टाइम तुम्हारा बचा था अगर नहीं बट ठीक है. तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब नेट फोर्स जीरो है तो दो ही तो फोर्सेस है, दैट इज बी एल वी एंड योर बी एल वी कह रहा हूँ आई बी एल, आई बी एल इज इक्वल टू एम जी. अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएं देन वी विल गेट अ टर्मिनल वेलोसिटी. तो वी नो व्हाट इज ई, वी नो इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये सारा कुछ मैंने खुद ही कर लिया ठीक है. बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, तो इस सारे की वैल्यू ये है एंड एम जी. तो इससे तुम आसानी से वी निकाल सकते हो, दिस इज द वेरी, ये इजी क्वेश्चन था, इससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, दैट इज एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देख लेना. देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी वन है तो तुम्हारा आंसर आएगा एम जी आर. एम जी आर माने मास इज 20 ग्राम, जी इज 10, आर इज 10, तो 20 बाय 1000 इंटू 10 इंटू 10 मतलब ये गया ये गया ये गया ये गया 2 मीटर पर सेकेंड इसकी आंसर आना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड. ओके सेकेंड, सो दिस इज द ऑल द ऑप्शंस, 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, अगर दिस इज द वेलोसिटी देन आर आंसर वुड बी 0.72 न्यूटन. ओके, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था डी, मतलब इसका अगर तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसका आंसर आएगा, तो आएगा तुम्हारा डी ऑप्शन. ओके, तो ये है तुम्हारा सारा खेल ठीक है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.